तीन बेटी अनीता, काजल और पूजा के साथ रहा करता था। हरि बहुत गरीब था और वो खेती करके जैसे तैसे अपना घर चलाया करता था। तो वही उसकी तीनों बेटियाँ हरि की मदद करने के लिए उसके कामों में हाथ बटा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, काजल और पूजा आज तुम दोनों अलग अलग जाना, और काजल तुझे आज उपले बेचने हैं, और पूजा तुझे आज दूध बेचना है। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज मुझे खेत में जाना पड़ रहा है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, तू बाबा का ख्याल रखना। इस तरह से काजल अपने उपले उठाकर उन्हें बेचने चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा भी दूध लेकर चली जाती है। अब बेचारी अनीता अपने बाबा और खेत को संभालती है। शाम को पूजा और काजल उपले और दूध बेचकर घर आ जाती है, और वो दोनों देखती है कि हरि की तबीयत अब ठीक नहीं है, जिस पर पूजा अनीता से बोलती है, अनीता तुमने तो कहा था कि तुम बाबा का पूरा ख्याल रखोगी, पर बाबा को तो अब तक बुखार है। क्या बाबा की तबीयत फिर से खराब हो गई? अनीता ढोंग करने की जरूरत नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं तू एक नंबर की काम चोर है, तुझे काम ना करना पड़े इसीलिए तूने उन्हें बाहर भेजा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती तो ठीक है, तुम दोनों कल से बाबा के साथ खेती करना और मैं बाकी का काम अकेले कर लूंगी। ठीक है। तीनों बहन की आपस की लड़ाई देखकर हरि परेशान हो जाता है और अपनी तीनों बेटियों से बोलता है, मैंने तुम तीनों में से कभी किसी को नहीं बोला कि तुम मेरी मदद करो, फिर तुम तीनों बहन आपस में क्यों हमेशा झगड़ती हो? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगा। नहीं बाबा, आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए आप आराम करिए, बाकी का काम हम लोग कर लेंगे। अनीता हरि की सबसे बड़ी बेटी थी, साथ ही वो अपनी दोनों बहनों से ज्यादा समझदार और दयालु थी। तो वहीं काजल और पूजा एक नंबर की मतलबी और लालची थी। इसी तरह से अगले दिन अनीता अकेले ही दूध और उपले बेचने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर काजल और पूजा घर में रहकर अपने पिता की सेवा करती हैं। काजल, मैं बाबा के पास बैठी हूँ, तू जाकर खेत में काम कर ले। खेत को जोतना है ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती, पर मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, हम दोनों में से किसी एक को बाबा के पास रहना होगा। एक काम करते हैं, कल जब बाबा पहले से बेहतर होंगे तो हम उन्हें काम करने देंगे और हम दोनों मिलकर खेत में काम कर लेंगे, आज हम दोनों बाबा के पास बैठ जाते हैं। इस तरह से काजल और पूजा खेत का कोई काम नहीं करती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पूजा और काजल खेत का काम नहीं करती, जिस वजह से हरि का काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अनीता दूध और उपले बेचकर खेत के रास्ते से आ रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। अब अनीता उस औरत के पास जाती है और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारती है। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वैसे आपको क्या हुआ था, आप खेत में, वो भी इतनी धूप में? बेटा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरी एक पोती के, उसी को पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने ये खेत किराए पर लिया था और इसमें खेती कर रही थी, पर इस तेज धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया। अच्छा कोई बात नहीं अम्मा, मुझे खेती करनी आती है, मैं आपकी मदद करवा दूंगी। इस तरह से अनीता उस बुढ़िया को पेड़ के नीचे बैठा देती है और खुद खेत में काम करने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिनों तक अनीता दूध और उपले बेचने दोपहर में आते हुए उस बूढ़ी अम्मा के खेत में काम करती। ये सब देखकर वह बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है, और एक दिन जब अनीता खेत में काम कर रही होती है तो बूढ़ी अम्मा उसके लंबे घने बालों को छूकर उसे बोलती है, काले घने लंबे बाल बन जा तू सोने के जादुई बाल। उस बूढ़ी अम्मा के कहते ही अनीता के बाल जादुई सोने के बाल में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद अनीता उस बूढ़ी अम्मा से बोलती है, अम्मा आपने ये जादू कैसे किया, मेरे बाल सोने के बन गए। अब वो बूढ़ी अम्मा एक देवी के रूप में प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि एक देवी हूँ जो यहाँ तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की परीक्षा लेने आई थी। मैंने ही तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब की ताकि मैं तुम तीनों की परीक्षा ले सकूं, और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाल को जादुई बाल बना दिए हैं। इस जादुई बाल से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। अब देवी वहाँ से गायब हो जाती हैं। देवी के जाते ही अनीता के जादुई सोने के बाल
एक बार फिर से साधारण काले हो जाते हैं, जिसके बाद अनीता खुद से बोलती है, अरे ये क्या, जब तक ये देवी यहाँ खड़े थी तब तक मेरे बाल सोने के थे और उनके जाते ही मेरे बाल साधारण बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बालों का जादू सिर्फ कुछ समय के लिए था और मैंने वो समय गंवा दिया। ये सोचकर अनीता घर जाती है और देखती है कि उसके दोनों बहन उसके पिता के पास बैठी है। काजल और पूजा, तुम दोनों ये मत सोचना कि मैं बड़ी होने का दोष जमा रही हूँ तुम पर। तुम दोनों पिताजी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हो, लेकिन खेत पे तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हो, जिससे हमारा काफी नुकसान हो रहा है। अनीता, लगता है तुम्हारे लिए बाबा से बढ़कर पैसा है। अब हरी खुद को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर पा रहा था, इसलिए जब वो काजल की बात सुनता है तो गुस्से में बोलता है, तुम दोनों एक नंबर की काम चोर हो। तुम दोनों को काम न करना पड़े इसीलिए तुम दोनों यहाँ मेरे पास बैठी रहती हो, पर अब मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ इसीलिए अब तुम दोनों को मेरी और सेवा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हरी काजल और पूजा को डांट देता है, जिसके बाद पूजा और काजल अनीता से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी दोनों बहन को नाराज देख अनीता जादुई बाल से बोलती है, हे मेरे जादुई बाल, अगर तेरे अंदर अभी भी जादू बचा हुआ है तो तू मुझे रास्ता दिखा और मेरी दोनों बहनों की जो नाराजगी है वो मैं खत्म कर पाऊँ और उन्हें सही रास्ते पे ले आऊँ। अनीता के इतना बोलते ही अनीता के जादुई बाल बोलने लगते हैं, तुम्हारी बहनें काम चोर के साथ लालची भी हैं। अगर तुम अपनी दोनों बहनों के बाल को भी अपने बालों की तरह जादुई बना दो तो वो तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी और वो दोनों वही करेंगी जो उनके जादुई बाल उनसे कहेंगे। लेकिन मैं अपनी बहनों के बालों को जादुई कैसे बनाऊं? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। उसी मंत्र से जिस मंत्र से तुम्हारे बाल जादुई हुए हैं। जादुई बाल के बोलने पर अनीता को देवी के वो मंत्र याद आते हैं। अब अनीता अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और उन दोनों के बाल पकड़कर बोलती है, हे काले लंबे घने बाल, बन जा तू जादुई सोने के बाल। ये मंत्र पढ़ते ही पूजा और काजल के बाल भी जादुई बाल बन जाते हैं। जादुई बाल होने के वजह से काजल और पूजा का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसके बाद काजल और पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और जादुई बाल के कहने पर काजल और पूजा अनीता से माफी मांगते हैं। अनीता, हम दोनों को माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारी सगी बहनें पर हमेशा तुमसे जलती रही क्योंकि तुम बाबा की लाडली थी, तुम सबसे ज्यादा काम करती थी। हाँ अनीता, हमें माफ कर दो, तुम हमसे बड़ी हो पर फिर भी हम दोनों ने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, हमेशा तुमसे जलती रही, पर फिर भी तुमने देवी की जादुई शक्तियों से हमारे भी बालों को जादुई बना दिया। इस तरह से अब उन तीनों बहनों के बाल जादुई बाल बन जाते हैं। अब जब वो तीनों बहन खेत में काम करने जाती है तो उनके जादुई बाल अपने आप सोने के बन जाते हैं और उनके बालों में से एक लट नीचे गिर जाती है और फसल का रूप ले लेती है। ये देखकर वो तीनों बहन बहुत हैरान होती हैं, जिसके बाद अनीता अपनी दोनों बहनों से बोलती है, पूजा और काजल, हमारे बाल जादुई हैं, इसीलिए जादुई बाल की मदद से गरीबों की मदद करनी चाहिए हमें, शायद इसीलिए देवी ने हमें ये जादुई शक्तियाँ दी हैं। काजल और पूजा अनीता की बात से सहमत होती हैं, जिसके बाद वो तीनों बहन मिलकर अलग अलग गांव में जाकर दूध और उपले बेचा करती, साथ ही वो जरूरतमंदों की मदद करती और इसी तरह से वो तीनों बहन अपने पिता को एक खुशहाल जिंदगी देती है, जो शायद हरी कभी भी अपनी तीनों बेटियों को नहीं दे सका था। काशीपुर के एक छोटे से गांव में शिवानी नाम की लड़की अपनी माँ उर्मिला और अपने सौतेले पिताजी जगमोहन के साथ रहती थी, लेकिन जगमोहन बहुत ही घमंडी था और उसे केवल अपनी बेटी सोना से ही प्यार था। सोना को वो किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता और वहीं दूसरी तरफ शिवानी को वो एक फूटी आँख पसंद नहीं करता। ये बात शिवानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, फिर वो मुझसे भेदभाव क्यों करते हैं, उन्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है, क्या मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ इसलिए मेरे साथ वो ऐसा करते हैं। बेटा, आज मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अकेले लेकर नहीं रह सकती थी, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भी बहुत गरीब था, अगर मैंने तुम्हारे सौतेले पिताजी का साथ छोड़ दिया तो हमें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमें भीख मांगनी पड़े, जैसा भी है
इतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर शिवानी बहुत ही परेशान हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती रहती है, हे भगवान, तूने मेरे पिताजी को मुझसे क्यों छीना, और अगर छीन भी लिया तो दोबारा ऐसा पिता दिया कि जिसे मुझसे प्यार ही नहीं और अपनी बेटी और मुझ में फर्क करे। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं बिना बाप की रहती। तभी वहाँ पर जगमोहन आता है और उसे कहता है, ए लड़की, यहाँ बैठी हुई क्या कर रही है? क्या तुझे पता नहीं आज मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है? घर में कितने सारे काम पड़े हैं, चल खड़ी हो और घर का काम कर। और हाँ, सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे मेहमान घर को देखते ही खुश हो जाए, ऐसी सजावट करनी है तुझे। अपने पिताजी का ऑर्डर सुनते ही शिवानी डर जाती है और फटाफट घर का काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सोना की एक फटी हुई ड्रेस लेकर आता है और शिवानी को दे देता है, ये ले आज इस ड्रेस को पहन लियो और इस गंदी सी ड्रेस को मेहमानों के सामने मत पहनो, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। समझ आई मेरी बात तुझे? हाँ पिताजी, आपकी कही एक एक बात समझ गई हूँ। ये कहकर वो सोना की फटी हुई ड्रेस पहनती है और देर शाम होती है, सोना की बर्थडे पार्टी शुरू होती है और शिवानी सभी मेहमानों की खातिरदारी करने लगती है। तभी सोना के सभी दोस्त शिवानी के बारे में पूछते हैं तो सोना उनसे कहती है, अरे ये कोई नहीं, बस हमारे घर की एक मामूली सी नौकरानी है। ये कहकर सोना अपने दोस्तों के सामने शिवानी का बहुत मजाक उड़ाती है। सोना की ये बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर रोने लगती है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऊपर से मेरी माँ मेरे सौतेले पिताजी के सामने मजबूर है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दूँ। तभी पानी के अंदर से एक जल परी निकलती है। कैसी हो शिवानी? मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे यहाँ तुम्हारे पिताजी ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद भगवान ने उन्हें समंदर का जल परा बनाया है और वो अपनी शक्तियों से तुम्हारे साथ हुए सभी अत्याचारों को देखते रहते हैं। उन्होंने ये जादुई झाड़ू तुम्हारे लिए भेजी है। इस झाड़ू से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हें कभी भी अपने पिताजी के आश्रय नहीं रहना होगा। जलपरी की बात सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। और हाँ, एक बात याद रखना, ये झाड़ू केवल दुखी लोगों की ही मदद करती है। अगर इस झाड़ू से कोई लालच में आकर कुछ मांगेगा तो ये झाड़ू उसके साथ कुछ बुरा भी कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी बुरा व्यक्ति इस झाड़ू का इस्तेमाल ना करे। आप चिंता मत करिए जलपरी जी, मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूंगी कि कोई भी बुरा व्यक्ति इस झाड़ू का यूज ना करे। शिवानी झाड़ू से बहुत अच्छी ड्रेस मंगवाती है और झाड़ू उसे एक सुनहरी ड्रेस देती है और उसे पहनकर शिवानी वापस आती है अपनी सौतेली बहन की बर्थडे पार्टी में। जब वो वहाँ पहुँचती है उसके कपड़े देखते ही सोना उससे बहुत जलने लगती है और वो अपने पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी आपने देखा इसके पास इतनी महंगी ड्रेस है, कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन आपने तो मुझे ऐसी एक भी ड्रेस नहीं दिलवाई। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो और अपनी सौतेली बेटी को इतनी महंगी ड्रेस दिलवाते हो। अरे बेटा, मैंने उसको कोई ड्रेस प्रेस नहीं दिलवाई, लेकिन इसके पास इतनी महंगी ड्रेस आई कहाँ से? रुको, मैं अभी पता करता हूँ। जगमोहन शिवानी के पास जाता है और उससे कहता है, क्यों रे, तूने अब चोरी करना भी सीख लिया? बता कहाँ से ड्रेस चुरा के लाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरी इतनी औकात तो नहीं कि तू इतनी महंगी ड्रेस खरीद सके। शिवानी अपने सौतेले पिता की बात सुनकर बहुत उदास होती है और फिर जंगल में हुई सारी घटना के बारे में पिताजी को बताती है। और फिर उन्होंने मुझे ये जादुई झाड़ू दी, ये झाड़ू मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी। जगमोहन के मन में लालच आता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इस झाड़ू से तो मैं खूब सारा पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, इसके बाद मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। ये कहकर वो शिवानी से उसकी झाड़ू छीन लेता है और अपने कमरे में जाकर झाड़ू से खूब सारा पैसा मांगता है। तभी वो झाड़ू अपना रूप लेकर जगमोहन के सामने आती है और उसे कहती है, तुम इतने लालची हो और लालच में तुमने बेचारी शिवानी से मुझे छीन लिया, लेकिन तुमने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी कि मैं केवल दुखी लोगों की मदद करती हूँ और लालची लोगों के साथ बुरा करती हूँ। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। ये कहकर जादुई झाड़ू जगमोहन और उसके बेटे दोनों को पीटने लगती है और ये देखकर शिवानी बहुत उदास होती है और वो जादुई झाड़ू के
सामने हाथ जोड़कर कहती है, रुक जाओ मेरी प्यारी जादुई झाड़ू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे पिताजी और मेरी बहन को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। शिवानी की बात सुनते ही जादुई झाड़ू रुकती है और ये देखकर जगमोहन को बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसने शिवानी के ऊपर इतने अत्याचार किए और फिर भी उसे उसकी चिंता है। और वही दूसरी तरफ उसकी बहन भी उससे माफ़ी मांगती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा लेकिन आज मुझे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। दीदी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की और कभी भी आपको अपनी बहन नहीं समझा, मैंने आपको बहुत भला बुरा भी कहा, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। शिवानी कहती है, अरे आप लोग मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ, आज से हम सब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद वो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और वो चारों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आंचल पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी विजय नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। विजय एक बहुत अच्छा लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहा करता था। आंचल के आने के बाद उनके घर की खुशियाँ दुगनी हो चुकी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि आंचल के घर की खुशियों को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन की बात है, विजय हमेशा की तरह काम पर जाता है लेकिन शाम को आंचल के पास एक फोन आता है। मैडम आपके पति का देहांत हो चुका है, आप अपने पति की लाश को पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइए। आप क्या कह रहे हैं, ये सब कैसे हुआ और कब? मैडम आपके पति जिस पुल से गुजर रहे थे वो पुल टूट गया जिसमें आपके पति के साथ और न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इतना बोलकर पुलिस वाला फोन रख देता है और आंचल ये बात अपनी सास रूबी को बताती है। माँ जी, विजय जी अब नहीं रहे, हमें उनकी लाश को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है और विजय की लाश को पहचानना है। बहू तू ये क्या बोल रही है, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। भगवान करे आपके बात सच हो माँ जी, पर अभी तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब आंचल अपने सास के साथ पुलिस स्टेशन जाती है जहां वो पुलिस वालों से अपने पति की लाश ले लेती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। विजय के जाने के बाद आंचल के घर की स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विजय के जाने के सदमे से रूबी की तबीयत भी ज्यादा खराब होने लगती है। अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब आंचल के सामने एक ही रास्ता था, काम करने का, इसलिए वो काम की तलाश में घर घर जाती है। मैडम आप मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए, मैं घर का सारा काम करना चाहती हूँ, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आप बस मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। तुझे देखकर तो लगता है कि तू अच्छे घर से है और पढ़ी लिखी है, फिर तू ये नौकरों वाला काम क्यों देख रही है। जिसके बाद आंचल अपनी सारी कहानी उस औरत को बताती है, जिस पर वो औरत उससे बोलती है, मैं समझ सकती हूँ तुझ पर अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तू बहुत गरीब भी हो चुकी है, पर मेरे पास पहले से बहुत सारे नौकर हैं। मेरे घर में अब नौकर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु हाँ मेरा एक बेटा है, वो अभी 12वीं में है और वो 12वीं पास करने के बाद कलेक्टर बनना चाहता है, परंतु पढ़ाई में बड़ा कमजोर, और इसीलिए मुझे एक ऐसी टीचर की जरूरत है जो मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके ताकि मेरा बच्चा 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हो सके। अगर तू मेरे बेटे को पढ़ा सकती है तो बोल। मालकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी और मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चे से कोई बच्चा शिक्षित हो सकेगा, मुझे नौकरी मंजूर है मालकिन। अब आंचल उस औरत के बेटे को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अगले ही दिन से उस औरत के बेटे बंटी को पढ़ाने के लिए उसके घर जाती है और एक दो घंटे में घर वापस आ जाती है। लेकिन एक बच्चे को पढ़ाकर आंचल इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि जिससे वो अपना घर चला सके। ऐसे ही एक दिन आंचल अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसे एक छोटा सा बक्सा मिलता है जिसमें उसकी पुरानी यादें कैद थी, जैसे कि उसके पति के कपड़े, उसके पति की फोटो और उसकी कुछ यूपीएससी की बुक्स। लेकिन जब आंचल की नजर उन बुक्स पर जाती है तो वो अपने हस्बैंड की पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। अरे बाप रे,
इतनी सारी किताबें हैं तुम्हारे पास, वो भी यूपीएससी की। मेरी कलेक्टर बीवी, जब तुम्हारे पास इतनी सारी बुक रखी है तो तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? विजय बाबू, ऐसे कोई कलेक्टर नहीं बन जाता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काफी पैसे भी खर्च होते। बस पैसों के चलते मुझे अपनी यूपीएससी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परंतु आज जब भी मैं रात को सोती हूँ, मैं खुद को कलेक्टर बना हुआ देखती हूँ और देखती हूँ कि मैं किस तरह से लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रही हूँ। काफी लोग मेरे पीछे हैं जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। अपने सपने में तुम मुझे नहीं देखती क्या? आखिर मैं भी तो एक कलेक्टर का पति हूँ। आप मेरा मजाक बना रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने में याद दिला रहा हूँ ताकि तुम अपने सपनों के पास जा सको और उन्हें पूरा कर सको। अब तुम कलेक्टर बनकर रहोगी, मैं तुम्हें बनाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात ही क्यों ना एक करना पड़े। फ्लैशबैक से बाहर, आंचल अपने पुराने ख्यालों में खोई होती है कि तभी वहाँ उसकी सास रूबी आ जाती है और उसके हाथों में यूपीएससी की किताब देख रूबी उससे बोलती है, बहू तेरे पास अभी भी मौका है। तू पढ़ाई करके अपना और अपने पति का सपना पूरा कर सकती है। तुझे याद है ना कि तू कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तेरे पिताजी ने तेरी शादी करवा दी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि तुझे वो यूपीएससी की तैयारी करवा सके। तुझे पता है, जब ये बात विजय को पता चली तो उसने तेरे सपने को अपना सपना बना लिया और वो अकेले ही 12-12 घंटे की ड्यूटी करने लगा ताकि तुझे कलेक्टर बना सके। पर माँ जी, मैं एक ही बच्चे को ट्यूशन दे रही हूँ और महीने के 4-5 हज़ार ही कमा पाती हूँ। इतने कम पैसों में अपनी पढ़ाई और घर सब कुछ कैसे चला पाऊंगी माँ जी? अरे तो तुझे किसने कहा है कि तू एक बच्चे को पढ़ा? मैं तो कहती हूँ तू उन सभी बच्चों को पढ़ा जो पढ़ना चाहते हैं और उनसे कम फीस लिया कर, ताकि उनका भी भविष्य बने और तेरा भी। आंचल को अब समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। अब आंचल घर घर जाकर बच्चों को होम ट्यूशन देती है और साथ ही रात को घर आकर अपने आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर देती है। इस तरह से आंचल दिन रात मेहनत करती है और कुछ दिनों बाद आंचल अपना यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाती है और एग्जाम देकर घर आती है। आंचल के घर आते ही रूबी आंचल से बोलती है, बहू तेरा पेपर कैसा गया? और तू जानती है, जब तू पेपर देने गई थी ना तो तेरे सारे विद्यार्थी यहाँ आए थे तुझे बेस्ट विशेस देने के लिए। पता नहीं माँ जी क्या होगा, पर मैं अपना बेस्ट देकर आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगी। और मुझे भी तुझ पर पूरा भरोसा है बहू। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, आंचल का रिजल्ट आ जाता है, वो प्रथम स्थान पर आती है और इस तरह से वो अपने गांव की कलेक्टर बन जाती है। अब कलेक्टर बनने के बाद आंचल सबसे पहले अपने स्वर्गवासी पति के नाम से एक इंस्टीट्यूट और एक स्कूल खुलवाती है जहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो गरीब बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा कर सके।